हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मैं इस दिवाली सप्ताह में सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और तहे दिल से आपका जो है धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके ही इस प्यार से जो है हम आज अपनी कौन सी संडे वार्ता करने वाले हैं, 18th संडे वार्ता जो है करने वाले हैं। हमारे चैनल को जो है लगभग 18 सप्ताह जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो है हम जानेंगे कि टीजीटी कमीशन जो है कब तक अनाउंस हो सकता है, कब तक उसकी होने की संभावना है। दूसरा हम जानेंगे कि टीजीटी कमीशन के लिए या टेट के लिए हमने कितना सिलेबस जो है आपको कवर करवा दिया है। और तीसरा हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जो है आप हमारे कंटेंट को परचेज कर सकते हैं और दिवाली का हमारे कंटेंट के ऊपर जो है क्या ऑफर चला है। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश भारद्वाज आपका अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत करता हूं। तो जो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं वो लेते हैं कि हमने कितना सिलेबस जो है टीजीटी का कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जीके है, काफी टाइम से हम जीके की वीडियो नहीं डाल रहे क्योंकि जीके की लगभग 50 प्लस वीडियो जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इंडिया जीके की। ठीक है, दूसरा मैथमेटिक्स का कितना सिलेबस कवर किया। देखिए, मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी ने जो सिलेबस जो है प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, प्लस वन का सिलेबस पूरा कंप्लीट हम थॉरली कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर चुके हैं और प्लस टू का सिलेबस जो है अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें भी मैं कह सकता हूं कि प्लस टू का भी लगभग हमने आधा सिलेबस जो है कवर कर लिया है। डेरिवेटिव तक हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो है दो तीन टॉपिक ही मेन रहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल हो गया एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया। यहीं से जो है एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लगभग 25 से 30% सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का हमारा बचा है। उसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें प्लस वन का फिजिक्स जो है हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 10 यूनिट है उसकी, वो हमने कंप्लीट पढ़ चुकी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप जो है किस तरीके से जो है इस कंटेंट को जो है परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है था हमारा फिजिक्स का कंप्लीट जो नोट्स है, 10 यूनिट्स के नोट्स जो है ये कंप्लीट नोट्स है। आप जो है अगर इन नोट्स को परचेज करना चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरे, तो आप जो है हमें हमारी व्हाट्सएप आईडी पर जो है मैसेज कर सकते हैं। इन नोट्स में, इस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। किसी भी यूनिट के इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेंगे, ठीक है, किसी भी यूनिट के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ही यूनिट खत्म हो जाती है, जो उसके की पॉइंट के आधारित, की पॉइंट के ऊपर जो है न्यूमेरिकल सॉल्वड आपको मिलेंगे। तो ये जो है एक पीडीएफ में रहने वाला है और हमने जो इसकी कॉस्ट रखी है, इसकी कॉस्ट जो है 25 रुपीज पर यूनिट रखी हुई है कि एक पीडीएफ में आपको एक यूनिट दी जाएगी, यूनिट चाहे बड़ी हो, यूनिट चाहे छोटी हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको एक यूनिट का 25 रुपए जो है पे करना पड़ेगा। अगर हाँ आपको एक साथ टोटल सभी 10 यूनिट परचेज करनी है, तो दिवाली के ऑफर पर जो है हम आपको इसे 200 रुपीज में जो है इसकी 10 पीडीएफ जो है आपको दे देंगे, जिसमें जो है प्लस वन का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। अगर आपको इसकी डेमो पीडीएफ भी चाहिए, तो भी आप हमें जो है पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको डेमो पीडीएफ भी दे देंगे। अगर आपको देखना है कि किस तरीके का कंटेंट है, मेरी वीडियो देखिए, वीडियो में जो है जो कंटेंट आपको करवाया गया है उसी की पीडीएफ जो है आपको मिलेगी। वीडियो बिल्कुल फ्री है, लेकिन पीडीएफ परचेज करनी है तब आपको थोड़ा सा अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। तो ये सिलेबस जो था, जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का मैंने आपको करवाया, ठीक है, इसके अलावा जो टेट के लिए जो है हम रोज 5 बजे आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है, उसका भी हम सिलेबस जो आपको मैक्सिमम कवर करवा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। हाँ, जीके की बात रही, जीके की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो उन वीडियो को जरूर देखें, जरूर जो आपका डेट क्लियर होगा। और टीजीटी भी, अब बात आती है कि टीजीटी कमीशन कब तक होने की संभावना है। तो कल रात को जो है 9 बजे के आसपास टीजीटी मेडिकल, जो भी रिसेंट कमीशन हुआ था, उसका रिजल्ट निकल चुका है, ठीक है। अब बात आती है टीजीटी जो नॉन मेडिकल का रिजल्ट लटका हुआ है, वो भी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर जो है निकल जाएगा।
तब अब बात आते हैं कि हमारा जो है अब नेक्स्ट कमीशन टीजीटी कमीशन कब होगा। तो जैसे ये एक हफ्ते के अंदर मान लीजिए अगर टीजीटी नॉन मेडिकल का जो भी रिसेंट कमीशन हुआ है उसका रिजल्ट निकल जाता है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि हमारा कमीशन निकलने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, जो इसकी संभावना हमें लग रही है इस महीने नवंबर में जो है इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और एग्जाम जो है जनवरी या फरवरी में जो है जरूर कंडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है अब कितना समय है, नवंबर दिसंबर और जनवरी, सिर्फ 3 महीने बचते हैं, 3 महीने के अंदर जो है टीजीटी कमीशन जरूर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है जैसे ही प्लस टू का मैथ जो है हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो है रीजनिंग एनालॉगी जो भी थोड़े से छोटे क्वेश्चन जैसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स की रीजनिंग पूछी जाती है उस तरीके का मैथ भी करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रखें। दिवाली की मैं एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।